वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्ट। तो आज जो है वो वंस अगेन हम एक बांग्लादेशी कोक स्टूडियो के सॉन्ग पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है भोबर पगोल कोक स्टूडियो बंगला सीजन वन निगार सुमी एंड जलाली सेट। तो अगर इस सॉन्ग की बात कर ली जाए तो ये सॉन्ग जो है वो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, और इस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग इज़ रिटन बाय जलाली सेट एंड मेहदी हसन अंसारी। तो बाकी इस सॉन्ग को देखते हैं और सुनते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन वन। পাগল হইয়া ঘুরি আমি আজমির গিয়া রে, হাজার নামে পাগল হইয়া ঘুরি আমি আজমির গিয়া রে। এত করে ডাকলাম তোরে, এত করে ডাকলাম তোরে, তবু দেখা পাইলাম না, পাগল Oh,
ओवरऑल पूरा सॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और रॉकिंग था। अगर स्टार्ट से बात की जाए सॉन्ग की, तो उन्होंने जिस तरह इन द नेम ऑफ ख्वाजा से स्टार्ट किया और फिर जो है इसमें स्पेसिफिकली जो है वो ढाका को और चिटगांव को मेंशन किया गया, एंड देन फिर वो क्या कहते हैं बाई बाई वन बाई वन जो है वो पहले उन्होंने जो है वो ह्यूमंस को, फिर फार्मर्स को, ट्रेडर्स को जो है उनको भी एड्रेस किया। और बाकी अगर इसके सारे सेटअप की बात की जाए तो इसमें मेन सिंगर थी, उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट लुक ली हुई थी और उनके हेयर स्टाइल वगैरह भी डिफरेंट था, जबकि जो बैकग्राउंड सिंगर्स थी फीमेल उनकी जो है वो कल्चरल लुक थी। और इसके अलावा जो मेल सिंगर्स थे उनकी ड्रेसिंग जो है वो जैसे रैप सॉन्ग्स वगैरह में होती है उस टाइप की थी सारी। जैसे कि कॉक स्टूडियो का फिफ्थ सॉन्ग था आई थिंक सो, तो ये कि इससे पहले जो सॉन्ग्स आ चुके हैं वो हम सारे सुन चुके हैं। तो बाकी ये कि इसके अलावा आप जो भी वीडियो हमें सजेस्ट करना चाहें सजेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।